स्वागत है प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं चैप्टर 4 के बच्चों कक्षा 10 विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुके बच्चों आपके सामने। तो चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों के बारे में बच्चों, जो कि आपको 1 मार्क्स में बच्चों पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए किस प्रकार के प्रश्न होंगे बच्चों, किस तरह से आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, पूरे प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इन प्रश्नों के आंसर के बारे में बच्चों हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है, यानी जो कार्बन परमाणु होता है बच्चों किस प्रकार से उत्कृष्ट गैस का जो विन्यास है किस प्रकार से प्राप्त करता है, इसके बारे में चर्चा करना। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बिंदु की संरचना बनाइए, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों की जो H2O होता है H2O बिंदु की क्या करनी है आपको, संरचना बनानी है बच्चों। तो आप बता सकते हैं H बॉन्ड H होता है बच्चों, आप इस तरह से इसका आंसर कर पाएंगे। अगला प्रश्न आता है बच्चों आपके पास, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उस सजातीय श्रेणी के दूसरे सदस्य का नाम सूत्र लिखिए जिसका सामान्य सूत्र CnH2n है, बताइए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सरल प्रश्न बच्चों आपसे पूछा जा रहा है। कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का नाम लिखिए बच्चों, जो आप सभी जानते हैं कीटोन प्रजाति का सबसे पहले सदस्य का नाम बच्चों क्या है, एसीटोन होता है। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों क्या होता है, कीटोन समजातीय श्रेणी के पहले सदस्य का नाम अगर पूछा जाएगा बच्चों तो आप क्या आंसर करेंगे, एसीटोन आपके लिए राइट आंसर होगा बच्चों। ध्यान रखिएगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी बच्चों क्लास 10th विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी पहुंच सके, वो भी पढ़ सके, नोट कर सके और बच्चों समझ सके। चलिए अगला प्रश्न आता है बच्चों, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, आपका ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है बच्चों, तो इसको भी आप नोट कर लेंगे। कार्बन जो है चतुसंयोजी यौगिक क्यों होता है, क्यों इस प्रकार से चतुसंयोजकता को प्रदर्शित करता है, इसके पीछे का रीजन बताना है बच्चों आपको। एक कार्बन बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं तो सॉल्व नहीं हो पा रहे तो घबराओ मत, इसका सोल्यूशन डाउट एट ऐप, जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो क्रॉप करो, 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, यानी अब आप पूछिए अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE NEET का हो या फिर CBSE UP बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको सिर्फ डाउट एट ऐप पर मिलेंगे। साथ ही साथ डाउट एट पर चल रही क्लास 9वीं से 12वीं तक IIT JEE NEET के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1, तो आज ही डाउट नेट ऐप को इंस्टॉल करो और अपने सभी डाउट को भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। यौगिक नीली स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न कर जलता है वह संतृप्त या असंतृप्त यौगिक है, इस पर विचार करना है बच्चों आपके लिए। एथेनॉल का आणविक सूत्र बच्चों आपको बताना है, निम्नलिखित में से संकलन अभिक्रिया कौन प्रदर्शित करता है, जैसे C4H10 हो गया, C2H6 हो गया बच्चों, C2H4 हो गया, CH4 हो गया, C3H8 हो गया बच्चों, ये सभी परमाणु में किस प्रकार की संकलन अभिक्रिया प्रदर्शित होती है ये आपको बच्चों आंसर करना, ठीक है। एथनॉइक अम्ल और सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया में उत्सर्जित गैस का नाम बताना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा बच्चों। अगला प्रश्न आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है आपको बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिएगा। जब हम एथेनॉल का सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थितिकरण में निर्जलीकरण करते हैं बच्चों तो क्या अभिक्रिया बनेगी, उसका क्या समीकरण होगा बच्चों, वो समीकरण बच्चों आपको यहाँ पर बताना। चलिए अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर सिरके में उपस्थित अम्ल का नाम लिखिए बच्चों, आप सभी जानते हैं जो सिरका होता है, सिरका विधि में कोई अगर अम्ल पाया जाता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसका नाम क्या है बच्चों, ये आपको कन्फर्म करना है। चलिए अगला प्रश्न बनता है बच्चों, श्रृंखलन क्या होता है, चलिए कन्फर्म करिएगा श्रृंखलन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, एक नंबर में आपको मैक्सिमम चांसेस है कि ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाए बच्चों, तो ये जरूर नोट कर लीजिएगा। साबुन कठोर जल में कपड़े धोने के लिए प्रभावशाली क्यों नहीं, बताइए जो कठोर जल होता है बच्चों उस कठोर जल में साबुन जो है बच्चों किस प्रकार से कपड़े धोने के लिए प्रभावशील नहीं होता है, इस प्रश्न का आंसर करिएगा। पेंटेन बच्चों C5H12 में कितने सहसंयोजी आबंध बनते हैं और क्यों बनते हैं, इस प्रश्न का आंसर करना आप सभी को। चलिए अब हम बात करने वाले हैं बच्चों चैप्टर हमारा जो 4 है बच्चों, उस चैप्टर 4 के हम 2 नंबर वाले प्रश्नों के बारे में बात कर ले बच्चों, यानी लघुत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए। अगला प्रश्न बच्चों, कार्बन के यौगिकों की अधिक संख्या क्यों होती है, इसकी वजह बताइए। समजातीय श्रेणी की 2 विशेषताएं लिखिए बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि समजातीय जो श्रेणी होती है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है बच्चों, ये आपको आंसर करना चलेगा।
अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पर नोट करने वाले हैं। अगला प्रश्न कहता है बच्चों सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं, कारण बताइए। अगला प्रश्न बनता है बच्चों के निम्न पर संरचनात्मक सूत्र लिखिए, यानी जो प्रोपेन होता है प्रोपेनोन क्या होता है बच्चों, हेक्सनेल क्या कहलाता है, इसके आपको क्या करना है बच्चों संरचनात्मक सूत्र बताने हैं। कार्बन को एक अद्वितीय तत्व क्यों कहा जाता है बच्चों, तो आप सभी जानते हैं जो कार्बन होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, एक अद्वितीय तत्व कहा जाता है। तो इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का आपको आंसर करना बच्चों। वनस्पति तेल तथा मक्खन में से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सा बच्चों, ये आपको बताना है। रासायनिक समीकरण बच्चों आपको पूरा करके बताना है कि कौन सा रासायनिक समीकरण पूरा है और किसमें असंतुलित है या फिर संतुलित है बच्चों, ये आप यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर बच्चों आपको बताना है कि प्रकार्यात्मक समूह पहचानिए बच्चों, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन के बच्चों यहाँ पर आपको कार्यात्मक समूह अलग अलग आपको बताने रहेंगे बच्चों। अगला प्रश्न आपके लिए यहाँ पर दसवां नंबर की, एथेनॉल के कुछ गुणधर्म के कारण इसका उपयोग टिंचर आयोडीन कप सिरप टॉनिक आदि औषधियों में होता बच्चों, तो ध्यान रखिएगा जो एथेनॉल होता है एथेनॉल के किस गुण के कारण इसका जो उपयोग है बच्चों हम टिंचर में करते हैं, इसके पीछे की आपको वजह बतानी है। साथ ही साथ बच्चों प्रश्न बनता है आप लोगों के लिए एथेनॉल से एथीन बनाने में सांद्र H2SO4 का क्या कार्य है बच्चों, तो इस प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों आपके प्रश्न क्रमांक एक से लेकर के बच्चों ये हमारे जो प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 10 तक पूरे के पूरे बच्चों यहाँ पर हमने आपसे जो चर्चाएं की हैं मैक्सिमम 25 प्रश्न में बच्चों चर्चा की है, ये आपके चैप्टर नंबर 4 के अगर आप इतने प्रश्नों को बच्चों तैयार कर लेते हैं चैप्टर 4 में तो ये बेटा जी आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला। तो ध्यान रखिएगा चैप्टर 4 के ये 25 प्रश्न आपको मैं अभी बता रहा हूँ, इसके बाद भी कुछ प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसी तरह से पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए, समझते रहिए। अगर पहली बार आए बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर देना प्यारे बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।